मूड खराब था कि मैंने उसको ढंग से बाय भी नहीं बोला, तो मैं उसको बाय भी नहीं बोल पाई सही से। थोड़ा तो दिख गया है कि अब वो 15 दिन से दूर रहेगा। तो ऑल राइट यू गाइस, वी इज कानपुर एंड हम लोग जा रहे हैं रावतपुर। काहे के लिए? रेव मोती जा रहे गाइस। तो अभी चूंकि मॉर्निंग हो चुकी है, हमने कुछ खाया पिया नहीं है, तो अभी हम आए ब्रेकफास्ट करने। आई थिंक छोला भटूरा ही खाएंगे, आई डोंट नो। क्या क्या है भैया? और मिस्सी रोटी है, आलू कुलचे है, पनीर पुलाव। अब तुम्हें जो खाना होगा, तो ऐसा लग रहा है तुम ही वेटर हो यहाँ के। हम बनाते कोई बड़ी पनीर कुर्ता, पनीर पुलाव। Light me up with a bright smile on now. Take me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. कितना शौक है यहाँ के दूध पीने, आधा लीटर दूध मानना पड़ेगा। तुम प्रज्ञा त्रिपाठी जिन्होंने ये बना रही हैं, तो एक बार कभी भी आप लोग कानपुर आइए तो यहाँ पे एक बार इनको मौका जरूर दीजिए। कोई डाउट नहीं है और इनके हाथ में जादू है, बहुत अच्छा बनाते हैं ये, बहुत अच्छा। Want to be with you, call my name like ooh, somebody else, and that is you. Ooh, ooh, falling in with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and fell off. Right, guys, so breakfast is done. एंड ही इज़ द ओनर ऑफ दिस शॉप। सो अच्छा बताइए, अगर मेरे सब्सक्राइबर आपके पास आते हैं बाय द वे ब्रेकफास्ट या किसी भी चीज़ के लिए, आप उनको क्या डिस्काउंट देंगे अगर वो मेरे प्रेफरेंस से आते हैं? पैसे ही नहीं लेंगे, पूरा डिस्काउंट आएगा आपको। नहीं, ये तो गलत बात है। आप आइएगा एंड अगर आप मेरा प्रेफरेंस देंगे, कुछ ना कुछ ही आपको डिस्काउंट डेफिनेटली देंगे, ठीक है? तो आना ज़रूर, और अगर आना तो इनको मेरा नाम ज़रूर बताना। तो भैया अगर आएंगे तो फिर प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे ज़रूर बोलेंगे, ठीक है? सो नाउ गाइज, वी आर गोइंग टू दिस मॉल। एंड कौन सा मॉल है मेरे को नाम नहीं पता, मैं आपको नेम मैंशन। बिग बाज़ार, ओके। सो चलते अंदर, देखते कुछ शॉपिंग वगैरह होती है, कुछ इंजॉयमेंट होता है तो करते हैं, अदरवाइज फिर अगर टाइम रहा तो हम पी रोड भी जाएंगे, उसके बाद हम अलग अलग जाएंगे। चलो फिर अंदर चलते हैं। चलो बताओ, गाड़ी चलानी है कि तुमको झूला झूलना है? बाइक ये चलाओगे? ये वाली चलाओ, ये वाली। कितने गाड़ी में? उसमें डरेगा ये, इसमें बैठा दो, ठीक है? उसी में बैठा। Let me pakad lo, ye pakad lo, steering pakdo, steering pakdo, bhaiya usko pakdao, steering jao tum to the moonlight, I see you are real right now. अभी हम लोग जा रहे हैं पी रोड, तो चलो वहाँ की तरफ चलते हैं। हे गाइज, आई एम बाइंग दिस रोज फॉर सचिन, एंड उन्होंने मुझे सुबह में एक ओरिजिनल फ्लावर दिया था, अभी मैं उनको ये गिफ्ट करूँगी। राम देगा, राम गिफ्ट करेगा। पकड़ो, आओ
यहाँ से भैया ये आपने नीचे से काट दो, ये पूरा काट दो। हाँ तो आ जाओ आ जाओ। चलो थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। चलो गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट से एंड हम लोग जो गए थे पी रोड में, तो वहाँ का मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि वहाँ पर हमारा एक झगड़ा हो गया था एक दुकानदार से, और बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। वह बहुत ही गंदी तरीके से बात करना स्टार्ट कर दिया और उस टॉपिक पे हमारा बहुत बुरा वहाँ पर झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। और चूँकि उनको पता था कि ये बच्चे के साथ है, सामान है इनके पास और ये यहाँ के नहीं हैं, तो उन्होंने पूरा उनका जो ग्रुप था वो ग्रुप जम कर लिया था, और हम दो थे वो पूरा ग्रुप था, मैं और सचिन। तो वो बहुत हावी होने लगे हमारे ऊपर, हालांकि मैं और सचिन भी हम कम नहीं थे तो वो उतना नहीं चढ़ पाए जितना वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इंग्लिश में बात किया और जब हमने भी बराबर रिप्लाई किया कि ठीक है अगर कोई चीज़ मिली, तो फिर वो थोड़ा सा डाउन हुए। तो वहाँ पर झगड़ा होने की वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, मैं क्या बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और अभी मैं हूँ बस में, सचिन जा चुके हैं वादा के लिए, मैं अभी बस में हूँ, मैं जा रही हूँ लखनऊ। जो है वो बहुत अच्छा है, इसके बाद का जो है बहुत अच्छा है। उसकी शुरुआत मैंने बहुत ही खुशी से और अच्छे मन से की थी, लेकिन एंड उतना ही बुरा हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब तो हो ही जाते हो इन सारी चीज़ों से। तो अब इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मैंने सोचा था काफ़ी अच्छे से शूट करूँगी, हालांकि काफ़ी अच्छे से हुआ भी, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा एक इफेक्ट ख़राब हो गया है। तो अभी मैं निकलती हूँ लखनऊ के लिए। मैं क्यों जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ, क्या है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। एंड अभी उस ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी से ही करूँगी, हालाँकि मेरा मूड बिल्कुल ही ख़राब है। देखती हूँ दो घंटे बाद सही होता है और राम भी चला गया और मेरा इतना मूड ख़राब था कि मैंने उसको ढंग से बाय भी नहीं बोला और मैं उसको देखे भी नहीं चली आई। मतलब मैंने उसको जस्ट छोड़ा सचिन के पास और उसके बाद मैं रिटर्न हो गई, तो मैं उसको बाय भी नहीं बोल पाई, सही मैं उसको देख भी नहीं पाई। मैं ऐसे बार बार देख रही हूँ शायद वो थोड़ा सा दिख जाए, क्योंकि अब वो 15 दिन मुझसे दूर रहेगा।